लिब्रे ऑफिस बेस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका इस्तकबाल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे SQL व्यू में क्वेरीज लिखें, ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल करें, जॉइंस का और एग्रीगेट फंक्शंस का इस्तेमाल करें, ग्रुप बाय क्लॉज का इस्तेमाल करें और बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करें। चलिए SQL क्वेरीज लिखने के बारे में सीखते हैं। इसके लिए अपनी वाकिफ मिसाल लाइब्रेरी डेटाबेस खोलते हैं। अब बाएं पैनल पर क्वेरीज फहरिस्त पर क्लिक करें और फिर क्रिएट क्वेरी इन SQL व्यू पर क्लिक करें। पहले देखते हैं कि हम किस तरह एक क्वेरी के नताइज को तरतीब दे सकते हैं। आइए मंदरजैल मिसाल को देखते हैं। कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड की तरफ से शाया इन किताबों के बुक टाइटल और ऑथर की मालूमात हासिल करें। इनको पब्लिशर के मुताबिक असेंडिंग तरतीब में दर्ज करें और साथ बुक टाइटल्स असेंडिंग यानी सऊदी तरतीब में। और यहाँ एक क्वेरी है, सिलेक्ट पब्लिशर कॉमा टाइटल कॉमा ऑथर फ्रॉम बुक्स वेयर पब्लिशर इन ओपन ब्रैकेट सिंगल कोट्स में कैम्ब्रिज कॉमा सिंगल कोट्स में ऑक्सफोर्ड ब्रैकेट क्लोज ऑर्डर बाय पब्लिशर ASC कॉमा टाइटल ASC। तवज्जा दीजिए कि कॉलम नामों से तरतीब को जाहिर करने के लिए हमने ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल किया है, साथ ही कॉमा कैरेक्टर्स पर भी तवज्जा दीजिए, जो और तरतीब करने के लिए और ज्यादा कॉलम्स को शामिल करने में मदद करता है और सऊदी या नजूली हुक्म को वाजह तौर पर बताने के लिए हम हर कॉलम के आगे सिर्फ ASC या DESC टाइप करते हैं। अब फाइल मेन्यू बार के नीचे रन क्वेरी आइकन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पहले पब्लिशर से तरतीब शुदा और फिर बुक टाइटल से तरतीब शुदा किताबें हैं। अब आपकी अगली क्वेरी पर चलते हैं। अब बुक टाइटल्स की एक फहरिस्त बुक इश्यू डेट्स के साथ हासिल करते हैं, जो अभी तक अरकान की तरफ से वापस नहीं की गई हैं। चूंकि टाइटल्स बुक्स टेबल में हैं और बुक इश्यू डेट बुक्स इश्यू टेबल में है, हमें किसी तरह से इन दोनों को शामिल करना होगा। हम इन दोनों टेबल्स को शामिल करने के लिए जॉइन कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और हम इन दो टेबल्स को शामिल करने के लिए इसी तरह कॉलम बुक आईडी का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेरी है सिलेक्ट B.title, I.issuedate, I.memberID from books B join books issued I on B.bookID is equal to I.bookID where checked in is equal to false. From clause में हरूफ B और I पर तवज्जा दीजिए। इन्हें aliases कहते हैं, जो बेहतर पढ़ने की अहलियत के लिए या तो वजाहती या सिर्फ एक हरफ हो सकते हैं। तवज्जा दीजिए कि बुक आईडी कॉलम दोनों टेबल्स में है, लिहाजा किसी भी उलझन से बचने के लिए हम कॉलम नेम्स की वजाहत या लायक बनाने के लिए aliases इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब तवज्जा दीजिए कि हमने फ्रॉम जुमला में जॉइन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए दो टेबल्स को जोड़ दिया है और हमने शामिल करने के लिए बुक आईडी कॉलम को वाजह किया है। ऑन B.bookID इज इक्वल टू I.bookID। चलिए अब क्वेरी रन करते हैं और हम किताबों और इनके इश्यू डेट की एक फहरिस्त देखते हैं और ये कि चेकड इन हालत चेकड इन नहीं है।
ठीक है, ये भी तवज्जा दीजिए कि नताइज में सिर्फ मेंबर आईडी है, ये ज्यादा कारआमद नहीं है। लिहाजा हम मेंबर नेम्स किस तरह जाहिर करें जो मेंबर्स टेबल में हैं? आसान है, हम मेंबर्स टेबल को अपनी क्वेरी से मंदरजा ज़ैल तरीके से जोड़ते हैं। सेलेक्ट बी डॉट टाइटल कॉमा आई डॉट इश्यू डेट कॉमा आई डॉट मेंबर आईडी कॉमा एम डॉट नेम फ्रॉम बुक्स बी ज्वाइन बुक्स इश्यूड आई ऑन बी डॉट बुक आईडी इज इक्वल टू आई डॉट बुक आईडी ज्वाइन मेंबर्स एम ऑन आई डॉट मेंबर आईडी इज इक्वल टू एम डॉट मेंबर आईडी वेयर चेकड इन इज इक्वल टू फॉल्स। लिहाजा मेंबर्स टेबल और मेंबर आईडी कॉलम को शामिल करने के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे जोड़ पर तवज्जा दीजिए। चलिए क्वेरी रन करते हैं। यहाँ मेंबर नेम्स किताबों के साथ हैं जो इन्हें जारी की गई हैं। अब एग्रीगेट्स और ग्रुपिंग के बारे में सीखते हैं। हम लाइब्रेरी के तमाम अरकान का शुमार किस तरह हासिल कर सकते हैं? यहाँ एक क्वेरी है। सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट्स में एस्टरिस्क एज डबल कोट्स में टोटल मेंबर्स फ्रॉम मेंबर्स। अब यहाँ काउंट पर तवज्जा दीजिए। इसे एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड्स के ग्रुप का जायजा लेकर सिर्फ एक वैल्यू देता है। साथ ही हमने एक एलियस टोटल मेंबर्स भी शामिल किया है। अब क्वेरी रन करते हैं। यहाँ बेस ने तमाम चार अरकान के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया और तादाद चार वापस की, जो कि अरकान की कुल तादाद है। एग्रीगेट फंक्शंस की कुछ और मिसालें हैं सम, मैक्स और मिनिमम। अब ग्रुपिंग मालूमात के बारे में सीखते हैं। किस तरह हम हर पब्लिशर के लिए किताबों का शुमार हासिल कर सकते हैं? यहाँ क्वेरी है, सेलेक्ट पब्लिशर कॉमा काउंट सिंगल ब्रैकेट में एस्टरिस्क एज डबल कोट्स में नंबर ऑफ बुक्स फ्रॉम बुक्स ग्रुप बाय पब्लिशर ऑर्डर बाय पब्लिशर। नए ग्रुप बाय क्लॉज पर तवज्जा दीजिए। हम हर पब्लिशर के लिए रिकॉर्ड्स को ग्रुप करने के लिए पब्लिशर और बुक्स की तादाद और ग्रुप बाय मुंतखब कर रहे हैं। अब क्वेरी रन करते हैं। इनके सामने हर नाशिर का नाम और किताबों की तादाद पर तवज्जा दीजिए। आगे SQL में फंक्शंस के इस्तेमाल के बारे में सीखते हैं। फंक्शंस स्टेटमेंट्स होते हैं जो एक वैल्यू वापस करते हैं। मिसाल के तौर पर करंट डेट आज की तारीख देता है। आइए तमाम किताबों के टाइटल की फहरिस्त बनाते हैं जो अरकान की तरफ से वापस नहीं की गई हैं। और क्वेरी है, सेलेक्ट बी डॉट टाइटल कॉमा आई डॉट इश्यू डेट कॉमा आई डॉट रिटर्न डेट फ्रॉम बुक्स बी ज्वाइन बुक्स इश्यूड आई ऑन बी डॉट बुक आईडी इज इक्वल टू आई डॉट बुक आईडी वेयर चेकड इन इज इक्वल टू फॉल्स एंड रिटर्न डेट लेस देन करंट डेट। करंट डेट फंक्शन के इस्तेमाल पर तवज्जा दीजिए। हम इन किताबों को हासिल कर रहे हैं जिनकी रिटर्न डेट आज की तारीख से पहले है। चलिए क्वेरी रन करते हैं। और यहाँ किताबें हैं जो वापस नहीं की गई हैं। HSQLDB की तरफ से फराहम किए गए फंक्शंस की फहरिस्त के लिए इस पर जाएं।
http://hsqld.org/doc/2.0/guide/built-in-function-chapt.html. ये वेबसाइट देखकर मुकम्मल यूजर गाइड देख सकते हैं। http://www.hsqld.org/doc/2.0/guide यहाँ एक मश्क है। मंदरजा ज़ैल के लिए SQL क्वेरीज दर्ज करें और जांचें। लाइब्रेरी में तमाम किताबों का शुमार हासिल करें। हर ऑथर की तरफ से लिखी गई किताबों का शुमार हासिल करें। अरकान के नाम और इनके फोन नंबर्स की फहरिस्त हासिल करें जिन्हें किताबें आज ही वापस करनी हैं। समझाइए कि ये क्वेरी क्या करती है। सेलेक्ट ब्रैकेट में प्राइस एज डबल कोट्स में Total cost of Cambridge books from books where publisher is equal to single quotes में Cambridge. इसी के साथ हम LibreOffice Base SQL View में मजीद queries के इस tutorial के इख्तिताम पर आ गए हैं. मुख्तसर में हमने सीखा कि किस तरह SQL View में queries बनाएं, order by clause का इस्तेमाल करें, Joins क्लॉज का इस्तेमाल करें, Aggregate functions का इस्तेमाल करें, Group by क्लॉज का इस्तेमाल करें और Built-in functions का इस्तेमाल करें। Spoken Tutorial Project Talk to a Teacher Project का हिस्सा है, जिसे हुकूमत हिंद के MHRD वजारत के कौमी खानदगी मिशन ने ICT के जरिए हिमायत की है। इस प्रोजेक्ट की मावनत SpokenTutorial.org ने की है। इस पर मजीद मालूमात दर्जे लिंक पर दस्तियाब हैं। इस ट्यूटोरियल का तर्जुमा और सदाबंदी मैंने यानी वजाहत अहमद ने की है। हमारे साथ शरीक होने के लिए बहुत शुक्रिया।